अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का एम के न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हमारे राज्य के अध्यक्ष हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आज टीआरएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैडेट ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल सिविल मैन 2020 और के बैच का इफ्तिदा का आगाज अमल में आया। आज इसका इफ्तिदा जनाब महमूद अली वजीर दाखला तेलंगाना के हाथों अमल में आया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद अंजनी कुमार, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंती, जॉइंट डीसीपी के बाबूराव, ट्रैफिक जनाब सैयद रफीक, एडिशनल डीसीपी साउथर्न के अलावा दीगर ऑफिसर मौजूद थे। इस तकरीब का आगाज पेटला ब्रिज कार हेडक्वार्टर परेड ग्राउंड से किया गया। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं एक तफ़सीली रिपोर्ट पर हमारे नुमाइंदे शेख यूनुस के साथ। कैमरामैन आरिफ की रिपोर्ट, एमके टीवी चैनल। कम से कम 200 एक 60 तक कर रहे हैं, एक 4-5 मिसवारा वहाँ भी इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं। टीआरएस का यही दावा है, माइंड गेम खेल रहे हैं केटीआर साहब कि बीजेपी के कहाँ है, कैंडिडेट नहीं है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो क्या आपके पास कैंडिडेट है? क्या आप जो है पैसों से कैंडिडेट खरीद रहे हैं आप, और आपके कैंडिडेट जो है दूसरों को पैसों से खरीद रहे हैं? आज आपके पास जो लोग हैं पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हैं, आपके पास वो जो लोग हैं वो पूरे माइनिंग में माफिया के लोग हैं, आपके पास जो लोग हैं वो लैंड माफिया में लोग हैं, और पूरे जो आप पैसों से और आपके जो ये जो ऑफिशियल मिसयूज़ करके ऑफिशियल पावर्स को मिसयूज़ करके आप जो है काउंसिल के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता जो जनता की सेवा में लगे हैं उनको हमने अपना उम्मीदवार बनाया है और हम जीत के बताएंगे, और जनता आपको देख रही है। आपने पहली बार पिछली बार ये वादा किया था कि हैदराबाद को अब डल्लास बनाएंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि डल्लास कहाँ है, सारे रोड कैसे हैं, हुसैन सागर कैसा है, यहाँ डेंगू और कई तरह के बीमारियाँ फैल रही हैं। उसी प्रकार आप वारंगल हो, करीमनगर हो, हर प्रांत को आपने लंदन बनाएंगे बोले, पेरिस बनाएंगे बोले, तरह तरह के वादे करते रहे लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इन सब जो ये जो विफलता है इस सरकार की, ये हम जनता के सामने रखना चाहते हैं, और इसीलिए आज एक चार्जशीट का हमने उद्घाटन किया है और गाने जो हैं उसका भी हमने रिलीज़ किया है। और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जनता जो है टीआरएस को नकारेगी और टीआरएस को हराएगी।